इस कहानी की शुरुआत में हमें बग नाम का एक डॉग दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छी नस्ल का था। असल में वो एक जज का डॉग था, इसीलिए बचपन से ही उसकी परवरिश काफी लाड़ प्यार से हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा शरारती था। बग को संभालने के लिए कई सारे नौकर थे जिनके साथ वो अक्सर खेला करता था, लेकिन धीरे धीरे बग की शरारतें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सभी लोग उससे तंग आने लगे। यहाँ तक कि वो शहर के बाजार में जाकर खूब ज्यादा मस्ती किया करता था, जिसकी वजह से कई सारे दुकानदार और लोग उससे परेशान हो चुके थे, लेकिन कोई भी बग को कुछ नहीं बोलता था क्योंकि एक जज का डॉग था। एक दिन जब बग ऐसे घूम रहा था तब अचानक एक अनजान शख्स की नजर उस पर पड़ती है और वो अपने पास खड़े आदमी से कहता है कि कुत्ता तो काफी अच्छी नस्ल का है और आजकल ऐसे कुत्तों की बहुत ही ज्यादा डिमांड है जो सोना ढूंढने में मदद कर सके और भारी भरकम सामान उठा सके। जब वो आदमी ये सारी बातें कह रहा था तब पीछे से उसकी ये बात उस जज का एक नौकर सुन लेता है और उसके मन में लालच आ जाता है। असल में बग को खरगोश के साथ खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए वह हर रोज अपने घर के बगीचे में खरगोश के साथ खेला करता था। दिन ब दिन बग की शरारतें इतनी बढ़ चुकी थी कि अब घर के सभी नौकर उससे परेशान हो चुके थे और जब भी वो लोग बग को आते हुए देख लेते थे तब सारा खाना और कीमती सामान छुपा लेते थे क्योंकि शरारत करते समय बग सब कुछ तहस नहस कर देता था। एक दिन बग के मालिक यानी कि उस जज ने अपने घर में एक पार्टी रखी हुई थी जहाँ पर उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया था और शाम के वक्त सभी जज के घर पहुँच गए। अब वहाँ एक जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी बग भी वहाँ पर आ जाता है और पूरी पार्टी खराब कर देता है। जाने अनजाने में वो बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है जिससे कि जज को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जज अब बग की हरकतों से पूरी तरीके से परेशान हो गया था और आज बग ने जो तमाशा किया उसकी वजह से जज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने देने के लिए पूरी रात बग को घर से बाहर निकाल दिया। अब आधी रात में बग जब घर के बाहर बैठा हुआ था तब जज का वही नौकर जिसके मन में लालच आया था वो बग को बिस्किट देकर पकड़ लेता है और उसे आदमी को दे देता है जिसने पहले कहा था कि आजकल ऐसे कुत्तों की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। वो दोनों मिलकर बग को पकड़ लेते हैं। हालांकि बग अपने आप को छुड़ाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी बग को मारकर वहीं बेहोश कर देता है। अब कुछ घंटों बाद जब बग की नींद खुलती है तब वो उस जगह से बाहर निकलता है जहाँ पर उसे कैद करके रखा हुआ था, लेकिन वह देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि वो समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच है और उन लोगों ने उसे एक जहाज में कैद करके रखा हुआ था जहाँ से वो कभी नहीं भाग सकता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में अब वो लोग बग को यहाँ काफी ज्यादा अच्छे पैसों में बेचने वाले हैं। जहाज अब एक जगह पर रुकती है और वो दोनों बग को उसमें से बाहर निकालते हैं। वहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी जिसे देखकर बग बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि से पहले उसने कभी बर्फ नहीं देखी थी। बग खुशी से झूम रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर बर्फ से फिसल जाता है और वो एक बूढ़े आदमी से टकरा जाता है। उस बूढ़े आदमी का नाम जॉन था और वो भी बग को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी कुछ लोग आकर बग को पकड़ लेते हैं और वहाँ से दूर ले जाते हैं जहाँ पर उसे दूसरे कुत्तों के साथ रखा जाता है ताकि कोई आकर उन्हें खरीद सके। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद पेरोल नाम का एक आदमी आकर बग को खरीद लेता है। असल में पेरोल एक पोस्टमैन था और लेटर्स पहुंचाने का काम किया करता था, जिसकी वजह से उसे कुछ कुत्तों की जरूरत थी जो कि बर्फीले रास्ते में उसे लोगों तक चिट्ठियां पहुंचाने में मदद कर सके। अब पेरोल बग को अपनी एक दोस्त से मिलवाता है और साथ ही उसके बाकी सारे कुत्तों से भी मिलवाता है जो पहले से ही पेरोल के लिए काम कर रहे होते हैं। असल में सारे कुत्ते पेरोल के लिए बर्फीले रास्ते में स्लेट खींचने का काम करते थे और अब बग भी उनमें शामिल हो चुका था। जब पेरोल बग को बाकी डॉग के साथ अपने स्लेट में बांध देता है तब बग बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं चल पाता क्योंकि उसने आज से पहले ये काम कभी नहीं किया था। उसकी वजह से स्लेट से बंधे हुए बाकी सारे डॉग को चलने में दिक्कत हो रही होती है और वो सब बर्फ में गिर जाते हैं, लेकिन पेरोल चाहता था कि बग ये सब कुछ सीखे, इसीलिए वो बिना जोर जबरदस्ती किए बग को सारी चीजें प्यार से सिखाता है। एक रात जब पेरोल अपनी उसी दोस्त के साथ टेंट में सो रहा होता है तब बग बाहर ठंडी में कांपने लगता है और फिर वो टेंट के अंदर जाकर पेरोल के दोस्त को बाहर निकाल देता है और खुद पेरोल के साथ सो जाता है। जब पेरोल के दोस्त की आंख खुल जाती है तब उसको बग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बग को फिर से टेंट से बाहर निकाल देती है। वहाँ बाहर अंधेरे में बग को एक भेड़िया दिखाई देता है जिससे डर कर वो पीछे हट जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका एक साथी डॉग किस तरीके से बर्फ के अंदर गड्ढा करके उसमें सो गया है। अब बग भी यही करता है और वो भी अब बर्फ में सोना सीख जाता है।
है। धीरे धीरे बग अब सब कुछ सीख रहा था, जिसकी वजह से वो पेरोड का पसंदीदा डॉग बन चुका था, जिसकी वजह से उन सभी डॉग्स का लीडर सीपीटस जलने लगता है और वो बग को परेशान करने लगता है। हालांकि बग का स्वभाव दूसरे डॉग के साथ बहुत ही अच्छा था, इसकी वजह से वो सब लोग बग के साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन सीपीटस हमेशा दूसरे डॉग्स को तंग किया करता था। एक दिन जब पेरोल की वो दोस्त बर्फ पर चलकर चेक कर रही थी कि वो लोग इस रास्ते से जा सकते हैं या नहीं, तभी बर्फ की परत टूट जाती है और वो नीचे पानी में गिर जाती है। अब इससे पहले कि पेरोल अपनी दोस्त को बचा पाता, बग उससे पहले वहाँ पहुँच जाता है और पेरोल की दोस्त को बचा लेता है। इस बात से पेरोल की वो दोस्त अब बग को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगती है और उसका ख्याल रखने लगती है। इन सारी चीजों की वजह से अब सीपीटस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक दिन बग से लड़ने लग जाता है। लेकिन बग साइज में काफी ज्यादा बड़ा था और फुर्तीला भी, इसकी वजह से वो सीपीटस को हरा देता है, जिसकी वजह से सीपीटस वहाँ से भाग जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। दूसरे दिन पेरोल जब सीपीटस को ढूंढ रहा होता है, तब उसे सीपीटस कहीं नहीं मिलता और अब वो बग को ही इन सारे डॉग्स का लीडर बना देता है और उसे सबसे आगे बांध देता है। अब वो सब लेटर्स पहुँचाने के लिए निकलने वाले थे, लेकिन तभी वो सब देखते हैं कि वहाँ एक बर्फीली पहाड़ी पर आइस स्लाइडिंग हो रही है, जिसकी वजह से इन सब की जान को अब खतरा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन तभी वहीं पास वाली एक पहाड़ी पर बग को फिर से वही भेड़िया दिखाई देता है जो उसे पहले दिखा था। और अब अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए बग पेरोड और उसकी दोस्त और साथ ही बाकी सभी दूसरे दोस्त को बचा लेता है, जिसकी वजह से अब पेरोड का भरोसा बग के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। असल में जो भेड़िया बार बार बग को दिखाई दे रहा था, ये एक स्पिरिट थी जो सिर्फ बग को ही दिखाई देती थी जब भी वो किसी मुश्किल में फंसता था, और ये वुल्फ स्पिरिट बग को हिम्मत देने का काम करती थी, जिसकी वजह से वो कभी भी हार नहीं मानता था। अब जैसे तैसे पेरोल दूसरे शहर पहुंच जाता है जहां पर उसे चिट्ठियां डिलीवर करनी थी, और अब वही बग को वो बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई देता है जो उसे पहले दिखाई दिया था, जिसका नाम जॉन था। जॉन बग को देखकर फिर से मुस्कुराने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी पहचानता हूँ और उम्मीद है कि तुम भी मुझे नहीं भूले होंगे। अब यहाँ पर पेरोल का काम खत्म हो चुका था, उसने सभी लेटर्स डिलीवर कर दी थी, और वो फिर से जब अपने शहर पहुँचता है तब उसे सरकार की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि अब उसे लेटर डिलीवरी का काम बंद करना होगा, क्योंकि अब एक काम टेलीग्राम करने वाला था, क्योंकि चिट्ठियां घर घर जाकर पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम था और अब इस काम को आसान बनाने के लिए टेलीग्राम आ चुका था। साथ ही साथ उस चिट्ठियों में ये भी लिखा था कि अब पेरोल को जल्द से जल्द वापस आना होगा और उसे सारे कुत्तों को भी बेच देना होगा। ना चाहते हुए भी पेरोल को अब सभी कुत्तों को बेचना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इतने वक्त तक उन कुत्तों के साथ काम करने के बाद अब पेरोल का दिल उनसे लग चुका था। लेकिन फिर भी वो दूसरे दिन उन सभी डॉग्स को बेचने की सोचता है और उनको हल नाम के एक आदमी को बेच देता है। हल असल में एक बिजनेसमैन था जो सोने की तलाश में आया था। उसे सोना ढूंढने के लिए और अपना भारी भरकम सामान उठाने के लिए कुछ कुत्तों की जरूरत थी, जिसकी वजह से वो बग और उन सभी कुत्तों को खरीद लेता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हल एक बहुत ही ज्यादा जालिम किस्म का इंसान था, जिसे उन सभी डॉग्स पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी और उन्हें हर रोज टॉर्चर किया करता था। एक दिन हल ने सभी डॉग्स को अपना भारी भरकम सामान खींचने के लिए कहा, लेकिन उनमें से कोई नहीं खींच पाया, क्योंकि वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके थे और सबसे आगे बग था, जिसे देखकर हल को गुस्सा आया और वो अपनी बंदूक निकालकर बग को शूट करने वाला था कि तभी वहाँ पर जॉन आ गया और उसने हल को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बग को लेकर वहाँ से भाग गया। उसने अब बग की जान बचा ली थी, लेकिन बेचारे वो बाकी सभी डॉग्स हल के हाथों मारे गए थे। अब क्योंकि बग बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, इसीलिए उसे सीधे कुछ दिनों बाद ही होश आ जाता है और वो देखता है कि वो बिल्कुल जिंदा है और उसे जॉन ने बचा लिया है। लेकिन जब जॉन उसे ये बात बताता है कि उसके सभी साथी मारे गए, तब ये बात सुनकर बग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अंदर से टूट जाता है। लेकिन जॉन एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी था, इसीलिए वो बग का पूरी तरीके से ख्याल रखता है और उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन जॉन एक बियर बार में शराब खरीदने के लिए जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन एक काफी ज्यादा शराबी आदमी था और हमेशा दुख में रहता था, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था। वहीं जॉन जब शराब पी रहा होता है, तब पीछे से वही बिजनेसमैन हल आ जाता है और जॉन से लड़ने लग जाता है और उन दोनों के बीच खूब ज्यादा मारपीट होती है। अब इस बात की वजह से बार में काम करने वाले कुछ लोग हल
अल और जॉन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अल को कैसे भी करके जॉन से बदला लेना था। एक दिन जॉन की इस शराब की आदत के बारे में बग को पता चल जाता है और तब जॉन की शराब की बोतल छुपा देता है और उसी पर बैठ जाता है। जॉन को समझ आ जाता है कि बग उसकी फिक्र करने लगा था और नहीं चाहता था कि जॉन की सेहत खराब हो, इसीलिए उसे शराब पीने से रोक रहा था। अब जॉन भी बग को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा था और दोनों साथ में खुश रहने लगे थे। एक दिन जॉन बग को एक मैप दिखाते हुए कहता है कि उसके पास ये मैप कई सालों से है और एक सोने की जगह का मैप है कि वो इस मैप के जरिए कुछ सोना हासिल कर सके और अपनी और बग की बाकी की जिंदगी आराम से बिताने के लिए कुछ कर पाए। बग ठीक ऐसा ही करता है और खजाना ढूंढने में जॉन की मदद करने लगता है। कुछ समय बाद जॉन और बग उस जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं और बीच में काफी ज्यादा एडवेंचर करते हैं, जिसमें बग को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, जैसे कि लंबी नदी में नाव से घूमना और जंगलों के बीच भागना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हल जॉन के घर पहुंच चुका था अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, ताकि वो जॉन और बग दोनों को एक साथ मार सके, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता सिवाय उस मैप के जो जॉन के पास था। हल उस मैप को देखकर समझ जाता है कि जॉन और बग खजाने की तलाश में निकल चुके हैं और इसीलिए अब वो भी उन दोनों का पीछा करने लग जाता है। इसी सफर के दौरान जॉन और बग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर खजाना था और जॉन अब खजाने की तलाश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बग को वहाँ पर एक भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है जिनके साथ वो खेलने लग जाता है। ऐसे ही करते करते बग की उन भेड़ियों से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो दिन भर जॉन के साथ खजाना ढूंढता था और रात में उन भेड़ियों के साथ चला जाता था। जब जॉन को ये बात पता चलती है तब उसे समझ आता है कि अब ये भेड़ियों का झुंड ही बग का असली परिवार है और अब उसे उनके साथ ही रहना चाहिए। इसीलिए वो फैसला करता है कि अपने जरूरत के हिसाब से सारा सोना लेने पर वो बग को यहीं छोड़ देगा, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए इन भेड़ियों के साथ खुश रह सके। एक दिन जॉन को वहाँ पर नदी में कुछ सोने के पत्थर मिलते हैं, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा सोना है और वो कुछ सोना अब अपने पास रख लेता है। जब उस रात जॉन अपने टेंट में बैठकर एक नोटबुक में कुछ लिख रहा था, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वो जब चेक करने के लिए बाहर जाता है तब पीछे से उस पर हल हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि जॉन और बग का पीछा करते करते हल यहाँ भी आ चुका था और अब वो जॉन को मारने वाला था कि तभी बग आ जाता है और वो जॉन की मदद करने के लिए हल के ऊपर टूट पड़ता है। यहीं इन तीनों की लड़ाई के बीच में अचानक से उस जगह पर आग लग जाती है, जिसमें से बग जॉन को बचा लेता है, लेकिन हल को वहीं आग में फेंक देता है जिसमें हल जलकर मारा जाता है। और अब जॉन और बग दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे। अब जॉन फैसला करता है कि वो बग को अपने साथ और नहीं रखेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से बग की जान को खतरा हो और कोई उसके साथ दुश्मनी करे। इसीलिए ये बात बग को समझाने लगता है, लेकिन बग अब जॉन से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहता था, क्योंकि पहले ही वो अपने दो मालिकों से अलग हो चुका था जिनसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, एक तो वो जज और दूसरा पेरोल्ट। जॉन के काफी समझाने के बाद बग मान जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसका असली परिवार ये जंगल और यहाँ के जानवर है, ना कि इंसान। इसीलिए कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि बग जिन भेड़ियों के साथ खेलता था उनमें से एक फीमेल भेड़िया से उसे प्यार हो गया था और अब उनके बच्चे भी थे और अब वो खुशी से उस जंगल में रह रहा है। दोस्तों, असल में इस मूवी का नाम कॉल ऑफ द वाइल्ड इसीलिए पड़ा क्योंकि इस कहानी ने हमें बताया कि जो बग शुरुआत में एक मस्तीखोर और दूसरों के भरोसे रहने वाला डॉग हुआ करता था, वो अब नीडर और साहसी डॉग बन चुका है और इसका कारण है कि अब वाइल्ड यानी कि जंगल ने बग को अपनी तरफ बुला लिया है और उसे यहाँ पर जंगली जानवरों के बीच रहने की जगह दे दी है। दोस्तों, ये मूवी शुरुआत से अंत तक हमें बहुत सारी चीजें सिखा देती है और हमें पता चलता है कि संघर्ष और जिंदगी के बीच आने वाली रुकावटें हर किसी को मजबूत बना देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।